व्यवस्था परिवर्तन व सत्ता परिवर्तन 2014 की तैयारी के लिए युगपुरु था स्वामी रामदेव जी महाराज पूरे देश में भ्रमण कर प्रांतीय स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलनों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज ने गत 5 फरवरी को मुंबई में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुंबई प्रवास के दौरान कल स्वामी जी महाराज दाऊदी बोहरा समुदाय के आध्यात्मिक गुरु स्वर्गीय डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन को श्रद्धांजलि अर्पित करने सैफी महल पहुंचे। सैफी महल में स्वामी जी महाराज ने बोहरा समुदाय के वर्तमान धर्मगुरु एवं डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन के सुपुत्र डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन से मिलकर अपनी संवेदना प्रकट की। इस अवसर पर स्वामी जी महाराज ने वहां उपस्थित सभी लोगों को योग का महत्व भी समझाया तथा अपनी संवेदना को शब्दों में भी अभिव्यक्त किया। मुस्लिम समाज में आ तो बताज मजहबों में बद्दी जातना लोग हो छे। मुस्लिम समाज में जितनी सरलता समझ प्रेम कृष्णता अने जी व्यापक दृष्टि एवी घणी बधी विशेषताओ छे जे फक्त बोहरा समाज में छे अने एना पाछळ सैयदना साहबनो आ मोटा तप तो एनो तप अने एनी पुण्याई अने आखा समाजनो विश्वास એટલે ઘણા બધા કહેતા હોય કે હિન્દુ મુસ્લિમ એકતા જરૂરી છે, જ્યારે બોરા સમાજ અને હિન્દુ સમાજ સામે હોય ને તો કોઈને એકતામાં ઉપદેશ આપવાની જરૂરત નહીં પડે। અમારા મહાપુરુષો છે ને એક દિવસે અમારા શાસ્ત્રોનો પણ આવો સદૈવ ઉપદેશ છે અને આ રિયલ કે હકીકતમાં પણ આવું છે કે અમારા મહાપુરુષો સદા અજર અમર નિત્ય શાશ્વત હોય છે। એની મર્યાદાઓ, એનું આચરણ, એનું જ્ઞાન, એની ભક્તિ, એની સેવા, એનું ચરિત્ર એ પોતાના પુણ્યથી આચરણથી સદાય અમારા બીચમાં શાશ્વત રહેતા હોય છે। નિત્ય અમારા પૂર્વજોની જેમ પુણ્યાઈ હજારો લાખો કરોડો વર્ષો પછી પણ આજે પણ જીવંત છે એવા સૈયદના સાહેબનો જીવન, એના આદર્શો, એનો તપ સદાય આપ થકી ઉપસ્થિત છે। જ્યારે સૈયદના સાહેબનો આ શરીર પૂરું થયું ત્યારે અમારા 20 લાખ થી વધારે સોશિયલ મીડિયામાં અમારા ફોલોવર્સ છે, ટ્વિટર ઉપર એ બધા જગ્યાએ અમે શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ સૈયદના સાહેબ, સૈયદના સાહેબને પ્રણામ કરી અને એવી જે અમારા ઘણા બધા એવા માણસો હોય ને કે આ મુસ્લિમ જુદા આવે, હિન્દુ જુદા આવે, આવું ઘણા બધાને માનસિકતા, પણ સૈયદના સાહેબ સાથે બધા જ એકાકાર થઈ ગયા। सब दीवारें उन्होंने ढा दी थी, मजहब की दीवारें, सारी सीमाएं, भाषाओं की, देशों की, तक की भलाई के लिए जो उनके तो प्रेम करुणा वात्सल्य सब उनको बहुत प्रेम है। नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है और डीप ब्रीदिंग में 5 से 10 हज़ार ml ऑक्सीजन अंदर जाता है। पूरा फ्रेश ऑक्सीजन जाने से पूरा नस नाड़ी अंदर की अच्छी हो जाती है। तेरे भी ये सिखाते हैं ज्यादातर बीमारियों का तो कारण यही है कि आदमी को एक तो मोटापा, फिर कोलेस्ट्रॉल, ट्रायग्लिसराइड,
तेरासी और तेरासी में जो प्रॉब्लम क्रिएटिव है सभी प्रकार के कर्म का सो सार्वस का इंबैलेंस हो जाता है, तो ये जो है इसको हम कपाल भाति बोलते हैं। इस एक से ही पूरा बॉडी का फिजिकल बैलेंस और टोटल जो सारे पैरामीटर्स हैं वो एकदम लेवल में रहते हैं। ये इतना आसान है, कोई भी कर सकता है इसे। फिर हम ये सिखाते हैं सारी जो दस नाड़ियां अंदर की, सारा पूरा जीरो सिस्टम उसको क्लीन करने के लिए।